दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेटेस्ट वैकेंसी हम यहां पर लेकर आ गए हैं। दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट वैकेंसी की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हमारे साथ बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आई गई है, निकाली गई है। तो एलिजिबल डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वेस्टर्न कॉल फील्ड से आपके लिए वैकेंसी है, WCL से आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स ट्रेनी की पोस्ट होने वाली है, जिसे ग्रेड सी में लिया जाएगा। 31 यहाँ पर पोस्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 31 यहाँ पर पोस्ट है। 10+2 ए ग्रेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का ए ग्रेड सर्टिफिकेट होता है एक, वो हो, या फिर आपका 10+2 डिप्लोमा यानी कि GNM हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस्ड इन ए TNC JR ग्रेड सी। तो यहाँ पर 1 ईयर के आपके ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन जो है यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, उससे होगा। इसके बाद 13 पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट की दी गई है। जी हाँ, फार्मासिस्ट की 13 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा निकाली गई है। तो द फॉलोइंग नॉर्म्स शैल बी अडॉप्ट फॉर इम्प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अबोव पोस्ट। तो यहाँ पर आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि 90 मिनट्स के होंगे और 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 रहने वाले हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पर 50 लाने होंगे फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ आगे हम बात करें तो मिनिमम जो है SC ST के लिए 40 मार्क्स रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो हमने आपको बता दी है। एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पर 8 अगस्त रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड परफॉर्मा फॉर वेरीफाइड डाटा यहाँ पर दिया गया है, उस पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भेजना होगा। तो यहाँ पर कॉपी टू दिया गया है। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन का परफॉर्मा, यह एप्लीकेशन का परफॉर्मा है जो आपको फुल फिलअप कर कर भेजना होगा। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना होगा। सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहने वाला है, मात्र 2 पेज का, जिसे आपको भर कर भेजना होगा। एड्रेस जो है वो क्या रहने वाला है, एड्रेस रहने वाला है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट, नो पंजीकृत कार्यालय कॉलेज सिविल लाइंस नागपुर, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा, वेस्टर्न कॉलफील्ड लिमिटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस बता दिया है। फीस यहाँ पर आपकी कोई नहीं रहने वाली है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि आप 8 तारीख पहले कर सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी हमने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको इनकेस YouTube से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।